सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में सीआईडी सोलन इकाई के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ डीएसपी खजाना सिंह ने किया। डीएसपी का सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि काफी वर्षों से ये कार्यालय मात्र एक कमरे से चल रहा था, जिसके चलते कर्मचारियों को कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में सीआईडी सोलन इकाई का कार्यालय का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ डीएसपी खजान सिंह ने किया। डीएसपी का सोलन पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि काफी वर्षों से ये कार्यालय मात्र एक कमरे में चल रहा था, जिसके चलते कर्मचारियों को कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यही वजह थी कि कर्मचारी पिछले काफी समय से नए कार्यालय की मांग कर रहे थे, जिसको जिला प्रशासन ने पूरा किया है। डीएसपी खजान सिंह ने बताया कि काफी वर्षों से छोटे से कमरे में सीआईडी कार्यालय चल रहा था, जिसकी वजह से कई बार गोपनीयता भी भंग होने की आशंका रहती थी। अगर कुछ लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता तो बैठने के लिए काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब विभाग के पास नए कार्यालय में काफी स्थान है, जिसकी वजह से अब कर्मचारी अपने कार्य को और अच्छे तरीके से व गोपनीय ढंग से कर पाएंगे। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो नया हमारे ऑफिस का शुभारंभ हुआ है, इससे पूर्व में हमारा जो ऑफिस था ये एक सिटी चौकी के कमरे में था करीब 20 साल से। वहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सैनी रूम था, उसमें क्योंकि जो स्टाफ है हमारे 5-6 लोग होते हैं, यहाँ पर नौकरी पड़ जाती है जैसे काम करता है, तो उसमें वहाँ एक कमरे में इस ऑफिस को रन करना मुश्किल था। थोड़ा सा प्रशासन की निगाह से हमें ये 2-3 कमरे मिले, इसमें अच्छा ऑफिस रन करेंगे और इससे जो हमारा स्टाफ पोस्टेड है उसकी कार्यप्रणाली में भी इसमें सुधार होगा और इनके जो ऑफिस आर या रहन सहन में भी आपको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि वहाँ एक कमरे में अगर 4-5 लोग रहते हैं और हमारा सीआईडी का जो काम है वो थोड़ा गुप्त भी रहता है, कुछ लोग बाहर से आते हैं, जैसे किसी ने आना हो तो उनको बढ़ाने की जगह नहीं मिलती थी। अब ये 2-3 कमरे का जो ऑफिस हमें मिला है इससे काफ़ी अच्छा सुधार भी होगा, काम करके ठीक चलेगा। शुभारंभ करने के लिए हमारे उच्च अधिकारी का आने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, इसलिए इसको मुझे अफसरों के आदेश के अनुसार इसको शुरू करने के लिए आदेश। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचयूडी के साथ। नमस्कार।